स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 12th बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम समझेंगे जैव विविधता एवं संरक्षण का पार्ट 4, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। ये है आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न उत्तर, लेकिन अब 5 नंबर के क्वेश्चन का पैटर्न हट गया है और आपको 3-4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएंगे। पहला है जैव विविधता के प्रतिरूपों का वर्णन। पर्यावरण विदों ने अपने अध्ययन में यह माना है कि विश्व स्तर पर जैव विविधता का एक नियत पैटर्न या प्रतिरूप देखने को मिलता है। उन्होंने मुख्य रूप से 2 जैव विविधता प्रतिरूप पाए। इसका मतलब जितने भी इकोलॉजिस्ट हमने क्या माना कि जो भी जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी है वो एक निश्चित पैटर्न पर दिखाई देती है। उसमें से पहला अक्षांशीय प्रवणता, अर्थात जैसे जैसे हम विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, हमारे ये अर्थ है और अर्थ में ये बीच की रेखा कहलाती विषुवत रेखा कहलाती है। इससे हम जैसे जैसे कहाँ बढ़ते हैं, पोलर तरफ, पोलर रीजन में ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, मान लीजिए उत्तरी ध्रुव, तो जैव विविधता एक नियमित अंतराल में घटती जाती है, यानी बायोडायवर्सिटी जो है विदर्भ ज्यादा मिलेगी और ऊपर जाने पर ये कम होती जाती है। कुछ अपवादों को छोड़कर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है, जो कि कहां पे है, 23.5 अक्षांश उत्तर से 1.5 अक्षांश दक्षिण तक शीतोष्ण या ध्रुवीय प्रदेशों से अधिक जातियां पाई जाती हैं। तो यदि हम मान लें 23.5 यहां तक ले लें और 23.5 यहां तक ले लें, इसके बीच का जो है यहां पर जाति जो है वो ज्यादा पाई जाती है। पक्षियों की प्रजाति विविधता का ही अध्ययन करें तो विषुवत रेखा पर स्थित कोलंबिया में 1400 पक्षी जातियां हैं, जबकि न्यूयॉर्क में 105 पक्षी जातियां और ग्रीनलैंड में केवल 56 प्रजातियां पक्षियों की पाई जाती हैं। ऐसे ही इक्वाडोर के उष्णकटिबंधीय के वन क्षेत्र में संवर्णी पौधों की जातियां यूएसए के मध्य पश्चिम में स्थित शीतोष्ण क्षेत्र के वनों से 10 गुना अधिक होती है। अब दूसरा है, ये उन्होंने बोला अक्षांशीय प्रवणता, यानी अक्षांश रेखा पर आधारित प्रवणता बताई कि हम विषुवत रेखा, अगर हम उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो जैव विविधता ज्यादा पाई जाएगी, लेकिन इसके विपरीत यदि हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता कम होती जाती। दूसरा है जातीय क्षेत्र संबंध। प्रसिद्ध जर्मन भौगोलविद अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इनका नाम जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि किसी भौगोलिक क्षेत्र के क्षेत्रफल तथा उसमें निवास करने वाली प्रजातियों की संबंध समृद्धि में एक खास संबंध होता है, मतलब क्षेत्र और उसमें रहने वाली जो प्रजातियां हैं उसमें एक रिलेशन होता है। उन्होंने पाया जैसे अनुसंधान क्षेत्र विशेष का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, पादप एवं जंतु विविधता एक खास सीमा तक बढ़ती जाती है। इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। उन्होंने एक संबंध दिया, एक सॉल्यूशन दिया, log s is equal to log c plus z log a, जहां पर s डिनोट करता है प्रजाति की समृद्धि को, c है y का इंटरसेप्ट या अंतःखंड कहलाता है, z है रिग्रेशन कोएफिशिएंट या रेखीय ढाल भी आपको दिखाई दे रही है, a है क्षेत्रफल। इसको हम निम्नलिखित ग्राफ द्वारा समझ सकते हैं। यहां पर हमने x एक्सिस पर ले लिया जाति समृद्धि और y एक्सिस पर ले लिया क्षेत्र या एरिया, इसको डिनोट किया a से, जाति समृद्धि को हमने डिनोट किया s। अब हम यहां समझ सकते हैं कि s is equal to c a z, s is equal to c a z, जैसे जैसे उस क्षेत्र विशेष को बढ़ाया जाता है और z का मान यदि बढ़ता जाए, यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर z का मान बढ़ता जाएगा तो जाति समृद्धि जो है क्षेत्र बढ़ेगा और क्षेत्र बढ़ने से जाति समृद्धि भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अतः जितना अधिक क्षेत्र होगा वहां पर बायोडायवर्सिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। और ये जो आप तिर्यक लाइन दिखाई दे रही है, ये है लॉग लॉग पैमाना, जो है लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, तो ये निश्चित मापदंड पे है, लेकिन जैसे ही जेड का मान इंक्रीज होता है वहां पर जाति समृद्धि बढ़ती जाती है। पारिस्थितिक वैज्ञानिकों ने पाया किसी छोटे भौगोलिक या परितंत्र में z का मान, यानी परितंत्र छोटा है तो
जेड का मान कितना होगा 0.01 से 0.02, ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना। अगर लगे हम महाद्वीपीय स्तर, अगर हम महाद्वीपीय स्तर पर जाएंगे तो क्या होगा, पारितंत्र का क्षेत्र जो है वो विस्तृत होता जाएगा, तो ये मान कितना होगा 0.06 से लेकर के 1.02। अर्थात रेखीय ढलान जो है तीव्र रूप से तिरछी खड़ी होती है, मतलब ये जो है वो रेखीय ढलान बढ़ता जाता है। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप इसको और इसके ग्राफ को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके बनाएं और याद रखें। दूसरा प्रश्न, जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। पहले तो जैव विविधता सब जगह बहुत ज्यादा थी, जैसे जैसे मानवीय क्रियाकलाप बढ़ते गए, मानव जनित जो क्रियाएं थी उन्होंने क्या किया, जैव विविधता में हानि दृष्टिगोचर होने लगी। उसका कारण क्या है वो हम देखते हैं। तो पहला है आवासीय क्षति एवं विखंडन। जीवों के प्राकृतिक आवास का विनाश जो है वो जैव विविधता की हानि का प्रमुख कारण है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, वेटलैंड का भरा जाना, घास के मैदानों को जोतकर कृषि कार्य के लिए प्रयोग करना, लकड़ियों के लिए जंगली पेड़ों को काटना, यातायात के लिए हाईवे तथा रेल मार्ग बनाना, जंगली क्षेत्रों को बर्बाद करना आदि ऐसे मानव के कारण हैं जिससे जीवों के प्राकृतिक आवास परिवर्तित या बर्बाद होते जा रहे हैं। इससे कई पादप जंतु सूक्ष्म जीवाणु या तो प्रत्यक्ष रूप से मारे गए हैं या उनके बीच एक अंतर क्रिया अवरुद्ध हुई जिससे कई और जीव विलुप्त होने की कगार पर चले आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, यदि किसी हैबिटेट को नष्ट किया जाता है तो क्या होगा, उसमें रहने वाले जो जीव है वो सतही नष्ट या कम होते जाएंगे। इससे कई पादप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विलुप्त होने के कगार पर चले आते हैं। वैसे महत्वपूर्ण प्रजातियां जो जंगलों के भीतर सुरक्षित क्षेत्र में रहने की आदि थी या जिन्हें अधिक आवास क्षेत्र की आवश्यकता होती थी वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। इसमें स्तनधारियों एवं पक्षियों की कई प्रजातियां तथा प्रवासी स्वभाव वाले कुछ प्राणी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पहला कारण ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, अतिदोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। कुछ जातियों का मानव द्वारा अतिदोहन तथा उससे संबंधित जातियों के विलुप्तीकरण का कारण है, जैसे पैसेंजर कबूतर, कैरोलिना तोता, स्टीलर समुद्री गाय आदि। आम मछलियों की भी बहुत सारी प्रजातियां अतिदोहन के कारण, ज्यादा यूज करने के कारण विलुप्त होती जा रही है। तीसरा, विदेशी जातियों का आक्रमण, इनवेसिव स्पीशीज। किसी पारिस्थितिक तंत्र में जब कोई बाहरी जाति अनजाने में या किसी उद्देश्य के लिए जाई जाती है तो उसमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानीय जातियों की कमी या विलुप्ति का कारण बनते हैं। जैसे नील नदी की जो मछली थी नाइल पंच, उसको पूर्वी अफ्रीका के विक्टोरिया झील में डाला गया तो उस झील में रहने वाली सिलचिड़ मछलियों की 200 से अधिक प्रजातियां विलुप्त होंगी उस मछली के आने के कारण, क्योंकि उनको उनके नष्ट होने का वो कारण है। गाजर घास पार्थेनियम, लैंटाना और हाइसिंथ जैसे आक्रामक खरपतवार जातियों से पर्यावरण की हानि तथा देशज जातियों से पैदा हुए खतरे से हम अच्छी तरह परिचित हैं। चौथा है सह विलुप्तता, को एक्सटेंशन। जब एक जाति विलुप्त तो होती है तो उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जातियां भी विलुप्त तो होने लगती हैं। जब एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त तो होती है तो उसके विशिष्ट परजीवियों का भी यही भविष्य होता है। वैसे ही मधुमक्खी मोनार्क बटरफ्लाई की संख्या में कमी आने से कई पर्यावरणीय तथा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन में गिरावट आई है। वहीं दूसरी ओर एक पादप के विलोपन से दूसरे कीटों का भी विलोपन होता है। ये बच्चों बहुत कारण थे। अब आते हैं जैव विविधता के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। पारिस्थितिक स्तर पर हम देखते हैं कि जैव विविधता वैसी स्थितियों एवं प्रकृति को प्रेरित करती है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को टिकाऊ तथा एक प्रजाति के रूप में हमारे अस्तित्व को बरकरार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैव विविधता समृद्ध पारिस्थितिकी के महत्व को हम निम्नलिखित सेवाओं के रूप में देखते हैं। पहला, जैव विविधता से हमको क्या फायदा है, क्या लाभ है, भोजन सुरक्षा एवं औषधि लाभ। उच्च जैव विविधता आधुनिक कृषि के लिए भोजन सुरक्षा समृद्ध करने में दो मायने में इम्पोर्टेंट है। पहला, नए फसलों के स्रोत में, दूसरा नए जैव अपघटनशील कीड़ा नाशियों के स्रोत के रूप में। इस
इसके अलावा जैव विविधता हमारी खाद्य पूर्ति को समृद्ध बनाती है। इसमें हमें फल, शिकार किया हुआ मांस, नट्स, मशरूम, शहद, मसाले, औषधियां तथा सुगंधित पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये जंगली खाद्य पदार्थ उस समय सहयोग करते हैं जब कृषि उत्पादन काफी गिर जाता है। विश्व बाजार में बिक रही 25% से अधिक औषधियां पादपों से बनाई जाती हैं। 25,000 से अधिक पादप जातियां पारंपरिक दवाइयां बनाने के काम आती हैं। जैव विविधता से संपन्न राष्ट्र अपने संसाधनों का जैविक अन्वेषण आर्थिक महत्व के उत्पादों को अनुवांशिक तथा जातीय स्तर पर करके अधिकाधिक लाभ ले सकते हैं। दूसरा है परितंत्र सेवाएं, इकोसिस्टम सर्विसेज। एक जैव विविधता संपन्न परितंत्र आर्थिक, पर्यावरणीय तथा सौंदर्यात्मक वस्तुओं एवं सेवाओं के विस्तृत परिसर आधार है। परितंत्र प्रक्रिया के उत्पादों को परितंत्र सेवाओं के नाम से जानते हैं। इन सेवाओं में पर्यावरणीय गैसीय संगठन को बनाए रखना, जंगल एवं समुद्री तंत्र के द्वारा जलवायु नियंत्रण, प्राकृतिक विघटन नियंत्रण, कीटों एवं पक्षियों द्वारा परागण की क्रिया, मृदा निर्माण एवं संरक्षण, जल स्रोतों का संरक्षण एवं शुद्धिकरण, पोषण चक्रण आदि प्रमुख है जिनकी आर्थिक मांग पर कीमत का आकलन बहुत मुश्किल है। तीसरा, प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम एवं शमन। इससे क्या आशय है? प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। वन एवं घास मैदान, भू परिदृश्य की कटाव, पोषण क्षति एवं भूस्खलन से रक्षा करते हैं। पारिस्थितिक विविधता, नदियों की बांध व्यवस्था, वेटलैंड व्यवस्था तथा नियमित टपकन द्वारा पानी के मेल वाटर टेबल नियंत्रण आदि में सहायता करते हैं। ये बाढ़ द्वारा होने वाली क्षति, सूखे से रक्षा, दावा जल से रक्षा आदि में सहायक होते हैं। चौथा क्या लाभ है? सौंदर्य एवं सांस्कृतिक लाभ, एस्थेटिक एंड कल्चरल बेनिफिट्स। जैव विविधता की सौंदर्यात्मक कीमत अमूल्य है। इसमें इको पर्यटन, पक्षी अवलोकन, वन्य जीव, जानवर पालना, बागवानी आदि प्रमुख है। वन उपवन आदि का संबंध हमारी संस्कृति से है, अतः इनका सांस्कृतिक लाभ भी बहुत है। क्वेश्चन नंबर 4, समझाइए कि किस प्रकार बाह्य जाति के आक्रमण से किसी क्षेत्र की प्रजातियों की विविधता कम हो जाती है। जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में कोई बाह्य विदेशी जाति एकाएक लाई जाती है तो पारिस्थितिक तंत्र की सामान्य प्रणाली को बुरी तरह प्रभावित करती है, जिससे वहां की स्थानीय जातियों पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है जो उनके विलुप्तीकरण का कारण बनता है। जैसे कि ब्लैक सागर में अटलांटिक काम जेलीफिश का लाया जाना एक उदाहरण है। इस आक्रमणकारी प्रजाति ने ब्लैक सागर की देशज प्रजातियों को पीछे छोड़ते हुए इस सागर के कुल जैव मात्रा की लगभग 95% भागीदारी करी, मतलब इसने जैव मात्रा में 95% हिस्सा ले लिया। विदेशी जातियों के आक्रमण का दूसरा दुष्प्रभाव, जब नील नदी की मछली नाइल पर्च को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया, जिससे उसके कारण क्या हुआ? उस झील में रहने वाली सिल्चिट मछलियां जो है उनकी 200 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो। तीसरा उदाहरण देखिए, मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश कैलेरियस गैलिपाइनस को जब भारतीय नदी में डाला गया तो वो नदियों की मूल कैटफिश जातियों के लिए खतरा पैदा कर गए। पादप प्रजातियों में देशी जातियों के दुष्प्रभाव को हम गाजर घास, लेंटाना, हाइसिंथ आदि आक्रामक खरपतवार जातियों से पर्यावरण को होने वाली क्षति और हमारे देशज जातियों के लिए पैदा खतरे से हम अच्छी तरह परिचित हैं। विदेशज जातियों के वैसे होने के पीछे कारण है कि नए पारिस्थितिक तंत्र में उनके प्राकृतिक परजीवी या परभोजी नहीं होते, अतः ये स्थानिक जातियों को क्या करते, पीछे छोड़ देते हैं। स्थानिक जातियां भोजन व आवास के लिए संघर्ष में पिछड़ जाती हैं। इस प्रकार बाह्य प्रजाति के आक्रमण से किसी क्षेत्र की प्रजातियों की विविधता में बड़ी तेजी से कमी आती है। तो बच्चों, ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपकी यूनिट 5 से रिलेटेड थे। आप इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और याद करेंगे। थैंक यू बच्चों।